हेलो गाइस, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से एक नया अपडेट आ गया है और यह जो अपडेट है वो कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2020 को लेकर के है, जिसमें से टायर वन का एग्जाम को लेकर के यह नोटिस है। और यह जो नोटिस है वह क्या है कि अपलोडिंग ऑफ टेंटेटिव एंसर की एलोंग विद कैंडिडेट्स रेस्पॉन्स शीट ऑफ कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2020-2021 को लेकर के है। यानी कि इसमें जो है कैंडिडेट लोग जो एग्जाम में अपना रिस्पॉन्स दिए हैं और साथ ही साथ एंसर के जो बोर्ड की ओर से दिया गया है उसी को लेकर के यह नोटिस है। तो यह बहुत बड़ा अपडेट है। आप लोग अपना एंसर की को मिला सकते हैं कि किस प्रकार से आप लोग बनाए हैं और बोर्ड की जो है वह किस प्रकार से एंसर शीट दिया हुआ है। तो देखिए इसमें जो कह रहा है, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर द कम्बाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जाम जो हुआ था टायर वन का, वह विभिन्न डेट में हुआ था, जैसे 12, 13, 15, 16 और 19 अप्रैल के महीना में ये है, और 4, 5, 6, 9, 10, 11 और 12 अगस्त ये जो था डिफरेंट कॉल सेंटर ओवर द कंट्री, मतलब पूरे भारतवर्ष में इतने डेट्स में एग्जाम हो गए थे। आगे जो कह रहा है उसमें है, द कैंडिडेट रेस्पॉन्स शीट एलोंग विद टेंटेटिव एंसर की आर नाउ अवेलेबल ऑन द लिंक गिवन बिलो। द कैंडिडेट्स में लॉग इन एज पर प्रोसीड्यूर मेंशन थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड बिलो। तो इसमें जो कह रहा है कि इसमें जो कैंडिडेट लोग रेस्पॉन्स किए हैं और साथ ही साथ में एंसर की जो है उन दोनों को गिवन बिलो जो लिंक है नीचे में, उस लिंक में डाल दिया गया है और इसमें जो है कैंडिडेट्स लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी मांगेगा उस डिटेल्स को भर करके आप लोग अपना रिस्पॉन्स शीट और साथ ही साथ में एंसर की को देख सकते हैं। तो आपको जो मांगा जाएगा वो चीज़ को आप लोग लिंक के थ्रू से घुस करके डाल करके देख सकते हैं। उसके अलावा में जो यहाँ पे कह रहा है, रिप्रेजेंटेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द टेंटेटिव एंसर की इफ़ एनी मे बी सबमिटेड ऑनलाइन फ्रॉम 20/8/2021, यानी कि 20 तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच में जो 6 PM से लेकर के 6 PM तक आप लोग पेमेंट कर सकते हैं पर क्वेश्चन 100 रुपये, और उसमें चैलेंज कर सकते हैं बोर्ड को। तो आप लोग अपना जो आंसर की देख लेंगे और आप लोग जो मारे हैं टिक किए हैं उसको ऑनलाइन इसको आप लोग चैलेंज कर सकते हैं, और वह भी 20 अगस्त के 6 बजे शाम से लेकर के 25 अगस्त के 6 बजे शाम तक। तो ये डेट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको देख लीजिएगा। रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड आफ्टर 6 PM ऑन 25/8/2021 विल नॉट बी इंटरटेंड अंडर एनी सर्कमस्टांस। यानी कि आप लोगों को 6 बजे जो है 25 तारीख के 25 अगस्त के उसके बाद से आप लोग कोई भी चैलेंज करते हैं तो वो यहाँ पे शामिल नहीं किया जाएगा, ये कहा गया है। द कैंडिडेट्स में टेक ए प्रिंट आउट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव रिस्पॉन्स शीट। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स अपना है रिस्पॉन्स शीट है उसका प्रिंट आउट को पहले रख सकते हैं, और उसके बाद कह रहा है कि एज द सेम विल नॉट बी अवेलेबल आफ्टर द एबव स्पेसिफिक टाइम लिमिट। और इसके बाद में आप लोग को यह जो है स्पेसिफिक टाइम के बाद वो सीट आप लोगों को देखने नहीं मिल जाएगा। तो आप लोग पहले जो है अपना रेस्पॉन्स सीट को प्रिंट आउट को निकाल सकते हैं, और जो है 25/8/2021 के 6 बजे के बाद में यह और आप लोगों के लिए नहीं दिखेगा। तो इससे पहले ही आप लोगों को अपना जो है रेस्पॉन्स शीट को डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट आउट निकाल लेना है। और यह जो है अंडर सेक्रेटरी देख सकते हैं, यहाँ पे डेट है 20/8/2021 का, यानी कि आज ही के दिन में यह नोटिस दिया गया है। तो आपके लिए यह बहुत बड़ी अपडेट है, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा खास बात है वह है डेट को लेकर के, यह है 8 तारीख को 6 बजे से लेकर के 6 बजे जो PM है उससे लेकर के 25/8/2021 के 6 बजे तक में ही आप लोगों को ये सारा चीज़ों को कर लेना है। तो यह एक बहुत बड़ी नोटिस है। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं अपना आंसर की, और जो जितने मार्क्स लाएंगे उस हिसाब से अब उनका सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो यह जो नोटिस है वह बहुत बड़ी अपडेट है।